नमस्कार दोस्तों, मैं जी कृष्णा चौहान आपका हक इन कुरे सॉफ्टटेक में स्वागत करता हूँ। अगर बात आती है प्रोग्रामिंग की, तो एल्गोरिथम या फ्लोचार्ट का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एल्गोरिथम क्या है, फ्लोचार्ट क्या है, इसका हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अपने को कोई प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्रामिंग टास्क को हम डिवाइड करना चाहें, तो हम उसको दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन फेज। प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज वो है जहां पर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि आखिर इस प्रोग्राम को बनाया किस तरह से जाएगा। तो कुल मिला के हम वहां पर कुछ स्टेप्स रखते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक के थ्रू, यानी कि कुछ स्टेप्स जिनके थ्रू हमारे को आउटपुट मिलेगा या फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो जो स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स आपके क्या कहलाएंगे, एक तरह से एल्गोरिथम। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का कर रहे हो वो क्या है, आपका एल्गोरिथम। इम्प्लीमेंटेशन फेज क्या होता है, जिसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं पर्टिकुलर एल्गोरिथम का और उसको कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम में विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ भी हो सकती हैं, जैसे C++, जावा, PHP.NET, कुछ भी हो सकती हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज क्या है, इम्प्लीमेंटेशन फेज हमारा एक वो फेज है जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू प्रोग्राम राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स विच इज प्रोवाइडेड इन एल्गोरिथम। तो दोस्तों, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप डायरेक्टली किसी चीज के एल्गोरिथम डिजाइन कर दो। तो एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप या फिर प्रोसीजर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं सीडो कोड। सीडो कोड क्या होता है, ये आपकी एक तरीके से एल्गोरिथम ही होती है बट जर्नल लैंग्वेज में लिखी होती है, जैसे कि आपने इंग्लिश लैंग्वेजेस में कुछ स्टेप्स लिख दिए। ये हमारे यूज़र फ्रेंडली होती है, यानी कि जो ह्यूमन लैंग्वेज की इंफॉर्मेशनल लैंग्वेज होती है उसके नियर बाई होती है, और जो आपकी एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम होती है आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज के नियर बाई। आप इस तरह से समझ सकते हैं, यदि हमने लिखना है टू नंबर का सम तो हम लिख देंगे ऐड टू नंबर्स इस तरह से सीडो कोड में, और यही स्टेप अगर अपने को एल्गोरिथम में लिखना है तो हम उसमें लिखेंगे सम इक्वल टू ए प्लस बी या सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस तरह से हम इनके डिफरेंसेस को जान सकते हैं। तो अपने को सबसे पहले क्या करना होगा एल्गोरिथम लिखने के लिए, सीडो कोड लिखना होगा, और सीडो कोड लिखने के बाद फिर हम उसकी एल्गोरिथम ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एल्गोरिथम की एक रिफाइंड डेफिनेशन क्या हो सकती है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी आपके प्रॉब्लम है उसका कुछ सॉल्यूशन जो कि कुछ स्टेप्स के थ्रू हो रहा हो वो क्या है, आपका एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जैसा आप देख पा रहे हैं इनपुट, कोई भी एल्गोरिथम होगी वो कुछ ना कुछ आपका इनपुट लेगी, और अगर एल्गोरिथम इनपुट ले रही है तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट भी जरूर होगा। इसी के साथ साथ आपकी जो स्टेप्स हैं एल्गोरिथम में वो स्टेप्स होने चाहिए इफेक्टिव। इफेक्टिवनेस का मीनिंग होता है प्रभावी, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी आप अपने स्टेप्स में ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो उनके पास सफिशियंट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और बेसिक प्रिंसिपल वाइज वो भी एक्यूरेट होना चाहिए, यही इफेक्टिवनेस को शो करता है। डिफाइनेटनेस दैट मीन आपका जो भी स्टेप्स हैं वो आपका ठीक से डिफाइंड हो, उसमें बताया जा रहा हो कि इस स्टेप में पर्टिकुलरली ये टास्क परफॉर्म करना है। और फाइनेटनेस क्या होता है, फाइनेटनेस को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी हमारी एल्गोरिथम हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें जो सीक्वेंस होता है स्टेप्स का वो होना चाहिए फाइनाइट नंबर, यानी कि काउंटेबल नंबर। दैट मीन ऐसा नहीं है इनफाइनाइट तक चल रहा है एल्गो तो फिर एल्गो तो इफेक्टिव ही नहीं। कुल मिला के फाइनाइटनेस भी हमारी एल्गोरिथम का एक करैक्टरिस्टिक है, और अगर फाइनाइटनेस है तो एक फिक्स टाइम पर एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी। तो ये हमारी थी कुछ करैक्टरिस्टिक्स एल्गोरिथम की। तो आइए अब देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू एल्गोरिथम और सीडो कोड को। तो सीडो कोड हमारा क्या होता है, बेसिकली आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप्स लिखे होते हैं और वो ह्यूमन लैंग्वेज के नियर बाई होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि राइट एन एल्गोरिथम फॉर डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड एंड इंडिकेट वेदर इट इज़ पासिंग और फेलिंग।
यानी कि बताना है भाई स्टूडेंट पास हो रहा है या फेल हो रहा है अकॉर्डिंग टू फाइनल ग्रेड्स. और द फाइनल ग्रेड इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ 4 मार्क्स, यानी कि जो भी आपके एवरेज 4 मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके फाइनल ग्रेड डिसाइड होंगे. तो देखते हैं इसकी स्यूडो कोड क्या होगा. तो स्यूडो कोड में आप पहले स्टेप में देख सकते हैं इनपुट अ सेट ऑफ 4 मार्क्स, यानी कि 4 तरीके के आपको नंबर इनपुट देने होंगे. उसके बाद कैलकुलेट देयर एवरेज बाई समिंग एंड डिवाइडेड बाई 4. हम एवरेज किस तरह से निकालते हैं कि हमारे पास 4 नंबर हैं, 4 नंबर को ऐड किया, ऐड करने के बाद उसको उतने से डिवाइड कर दिया जितने नंबर थे, जितने सब्जेक्ट्स के नंबर थे. आप इस तरह से भी सोच सकते हैं. तो डिवाइड करने के बाद अपने को जो भी आया है अगर वो एवरेज आपका बिलो देन 5 है तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा, नहीं तो स्टूडेंट पास हो जाएगा. ये हमारा नॉर्मली यहाँ पर इसका स्यूडो कोड हो गया. और अगर आपको स्टेप्स लिखने हैं एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम एंड स्यूडो कोड, तो वो भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है. देखते हैं किस तरह से वो करते हैं. तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा, इनपुट m1, m2, m3 एंड m4, यानी कि आपको इनपुट लेना है या रीड करने हैं 4 सब्जेक्ट के मार्क्स. और सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्रेड में सभी मार्क्स को टोटल करके अपॉन 4 करेंगे. क्योंकि अगर आप मेरे को ग्रेड बताना है तो ग्रेड के लिए अपने ने क्या किया हुआ है, 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करके अपन 4 कर देंगे तो हमारे को एवरेज पता चल जाएगा. अगर हमारा ग्रेड कम है 5 से तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा. तो यहाँ पर लिख दिया इफ़ ग्रेड इज लेस देन 5 देन प्रिंट फेल, यानी कि अगर स्टूडेंट के जो ग्रेड हैं वो 5 से हैं कम तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा, एल्स प्रिंट पास. यहाँ पर क्या है, हमारे को वो स्टूडेंट पास हो जाएगा अगर उसके ग्रेड मार्क्स 5 से ज़्यादा हैं. अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमने कंडीशन जो लगाई है इफ़ ग्रेड इज लेस देन 5, यहाँ पे ग्रेटर देन की कंडीशन क्यों नहीं लगाई है. हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, इफ़ सन इज़ ग्लोइंग, यानी कि अगर सूरज निकला हुआ है देन इट्स मॉर्निंग, ये सुबह है, एल्स इट्स नाइट. तो यदि सूरज निकला हुआ है तो मॉर्निंग है या फिर डे है, और नहीं तो रात है. तो हमने दूसरी तरफ तो कोई कंडीशन नहीं लगाई ना. उसी तरह से हम देखते हैं इफ़ बल्ब इज़ ग्लोइंग, यदि हमारा बल्ब जल रहा है दैट मीन पावर इज ऑन एंड एल्स पावर इज ऑफ. तो उसी तरीके से अगर हमारा स्टूडेंट का ग्रेड 5 से ज़्यादा है तो स्टूडेंट पास है, नहीं तो फेल है. या फिर इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, यदि हमारा ग्रेड कम है 5 से तो स्टूडेंट फेल हो रहा है, नहीं तो स्टूडेंट पास हो रहा है. तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ ग्रेड इज लेस देन 5 देन प्रिंट फेल एल्स प्रिंट पास. तो आई थिंक ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. जो हमने इफ यूज़ किया था तो एंड इफ कर दिया, यानी कि इफ का हमारा एंड हो चुका है. तो आइए अब बात करते हैं फ्लो चार्ट की. जैसा कि नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है एक ऐसा चार्ट जो कि फ्लो को शो कर रहा हो. तो फ्लो चार्ट इज एन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि स्टेप बाई स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स. यानी जब हमारा फ्लो चार्ट रेडी हो जाएगा तो हमको सब कुछ पता होगा कि हमको कहाँ डिसीजन लेना है, कहाँ पर किस तरह से फ्लो करना है, किस तरह से हम यहाँ पर इनपुट लेंगे अपने प्रोग्राम में, कैसा आउटपुट लेंगे. तो ये सब कुछ हमारा फ्लो चार्ट बनने के बाद क्लियर हो जाएगा. तो आइए अब मैं आपको एक छोटी सी एल्गोरिथम बता देता हूँ फ्लो चार्ट बनाने के लिए, यानी कि स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हाउ टू डेवलप अ फ्लो चार्ट. तो सबसे पहले गैदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी आप को फ्लो चार्ट डेवलप करना है उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग करना है, गैदर करना है. और उसके बाद आपको एक प्रोसेस फ्लो बनाना होगा ट्रायल बेसिस पर कि क्या इस तरीके से काम बनेगा या नहीं बनेगा. यदि बनता है तो बढ़िया है, नहीं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं. फिर आपको क्या करना होगा, उसकी एक्यूरेसी चेक करनी होगी कि ये जो फ्लो है हमारी इन्फॉर्मेशन का और प्रोसेसिंग का, ये क्या ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा. नहीं कर रहा तो आपको चेंजेस उसमें बनाने होंगे, चेंजेस करने होंगे यदि ज़रूरत पड़ती है तो, नहीं तो बेटर है. और फाइनली आप क्या करोगे, जो कि आपके 2-3 फ्लो चार्ट बनकर रेडी होंगे उसमें से एक्चुअल और बेस्ट पॉसिबल फ्लो जिसमें हो रहा होगा आप उस फ्लो चार्ट को यूज़ कर लेंगे. तो ये थे हमारे कुछ स्टेप्स एक फ्लो चार्ट को क्रिएट करने के. तो दोस्तों अब समय हो गया फ्लो चार्ट के सिंबल्स को जानने का. सबसे पहला सिंबल हमारे फ्लो चार्ट का है ओवल. ओवल आपका डिनोट करता है बिगनिंग या फिर एंडिंग आपके प्रोग्राम का. अगर हाल्ट कंडीशन या फिर जैसे पॉज कंडीशन कहते हैं वो भी आपका ओवल के थ्रू डिनोट किया जाता है. सेकंड है आपका पैरेललोग्राम,
तो इसका मीन क्या है, जहाँ पर भी आपका इनपुट ऑपरेशन करना है, यानी कि आपके प्रोग्राम में इनपुट लेना है, आपके फ्लोचार्ट में इनपुट शो करना है, वहाँ पर हम पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं। और अगर हमारी बहुत छोटा सा फ्लोचार्ट है, हम इसको कहीं जगह पर आउटपुट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। रेक्टेंगल आपका डिनोट करता है पर्टिकुलर प्रोसेस को। डायमंड बॉक्स आपका यूज़ किया जाता है कंडीशन के लिए, आइदर यस और नो, यानी कि इफ एल्स जहाँ पर यूज़ होता है, कंडीशन चेक कर रहे होते हैं, उस जगह पर हम डायमंड बॉक्स का यूज़ करते हैं। ये हाइब्रिड जो आप देख पा रहे हैं, हाइब्रिड सिंबल आपका आउटपुट ऑपरेशन को बिलोंग करता है, अगर आप हाई लेवल पर फ्लो चार्ट बना रहे हैं। फ्लो लाइन आपका प्रोग्राम का लॉजिकल फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, और इन सभी का यूज़ हम अपने आगे वाले फ्लो चार्ट्स में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं उसी एग्जांपल को ले रहा हूँ जिसमें आपको ग्रेड के अकॉर्डिंग डिसाइड करना था कि स्टूडेंट पास है या फेल है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्टेप्स भी लिखे हुए हैं एल्गोरिथम के, और साइड में फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। तो फ्लो चार्ट में देखिए, मैंने सबसे पहले लगाया है हमारा टर्मिनल सिंबल, यानी कि स्टार्ट। स्टार्ट में मैंने क्या किया, इनपुट लिया M1, M2, M3 और M4 को, और उसके बाद जिस तरह से हमने एवरेज निकाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग बॉक्स में मैंने ग्रेड में स्टोर कर दिया है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 डिवाइड बाई 4। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिसीजन बॉक्स या डायमंड बॉक्स, उसमें मैंने लिखा हुआ है इज ग्रेड इज लेस देन 5, यानी कि अगर आपका जो ग्रेड 5 से अगर कम है, अगर ये बात ट्रू है यानी कि यस, वाई देख सकते हैं आप इसके सिंबल, तो क्या होगा, आपका प्रिंट कर देगा फेल, यानी कि स्टूडेंट फेल हो चुका है। और यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो आपका क्या प्रिंट कर देगा, पास। और ये दोनों लास्ट में जुड़े हुए हैं टर्मिनल स्टॉप से। तो ये थी आपकी एल्गोरिथम और उसके साथ साथ फ्लो चार्ट। तो आइए एक और एग्जांपल से जानते हैं हम सीडो कोड एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को। तो एग्जांपल है, आपको एक एल्गोरिथम लिखनी है और फ्लो चार्ट बनाना है जो कि आपकी लेंथ को कन्वर्ट करे फिट को सेंटीमीटर में, यानी कि जितने फिट हैं उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे। हमको ऐसे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका सीडो कोड देखते हैं। सीडो कोड में सबसे पहला स्टेप हो जाएगा कि आप अपनी लेंथ ले लीजिए फीट में, ठीक है। हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं LFT, लेंथ फीट, ठीक। तो इस लेंथ को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करनी होगी 30 की, किसमें, फीट में, और फिर फाइनली क्या होगा, जो भी आपकी लेंथ होगी वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। तो आइए देखते हैं इसका फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम। तो सबसे पहले एल्गोरिथम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, इनपुट लिया या फिर रीड किया लेंथ फिट में, तो इनपुट LFT मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सेकंड स्टेप में क्या किया है, LCM में स्टोर करा दिया है LFit मल्टीप्लाई बाई 30, यानी कि फिट में जितना भी हमारी लेंथ है उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्टोर करा देंगे LCM में, यानी कि लेंथ सेंटीमीटर में। और फाइनली फिर क्या करना होगा, हम प्रिंट कर देंगे LCM, यानी कि लेंथ सेंटीमीटर में हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो बेसिकली ये तीन स्टेप थे आपके एल्गोरिथम के, और आप स्टेप 4 में लिख सकते हैं स्टॉप। तो आइए दोस्तों अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग तो आपको पता है टर्मिनल से होगी, तो उसमें आपने लिख दिया स्टार्ट। उसके बाद आपने इनपुट सिंबल लिया है, इनपुट सिंबल में आपने क्या करा है, इनपुट LFT या फिर रीड LFT, यानी कि लेंथ फिट में इसको रीड कर लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं LCM टेंस टू LFT मल्टीप्लाई बाई 30, यानी कि LCM में हमने LFT में 30 के मल्टीप्लाई करके स्टोर करा दिया है, और उसको अपने आउटपुट बॉक्स में प्रिंट करा दिया है LCM। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइब्रिड बॉक्स है, इसकी जगह पर आप इनपुट और आउटपुट वाला बॉक्स भी ले सकते हैं। और फाइनली हमने इसको क्या कर दिया है, टर्मिनेट यानी कि स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से हम एल्गोरिथम से फ्लो चार्ट को बना सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्सअप दीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे से कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे उनका भी बेनिफिट हो। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की एडुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के नोट्स चाहिए तो हमारे ब्लॉग पर भी जा सकते हैं जिसका नाम है hakeencroissofttech.blogspot.in। थैंक यू वेरी मच।